नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। प्रोफेट मोहम्मद को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता और पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में मुद्दा पकड़ा हुआ है और मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार देश के कई शहरों में इसके खिलाफ में आंदोलन किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि नुपुर शर्मा के परिवार को क्यों सुरक्षा प्रदान की गई है। दरअसल एक और ताजा मामला सामने आया था जब कल बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन झारखंड दौरे पर गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे, लेकिन राजधानी रांची में उनके साथ एक घटना घटती है। उपद्रवियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, उनके काफिला पर हमला किया जाता है। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर मंत्री नितिन नवीन वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी के खिलाफ में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ में इनकम टैक्स पर पुतला दहन किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो युवा भाजपा के नेता हैं वह लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जो यह घटना घटी थी यह एक पहले से सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है तमाम युवा नेताओं का जो भाजपा के आए, पहले जानिए। नितिन नवीन जो माननीय मंत्री हैं उन पर जो हमला हुई है ये सुनियोजित हमला था, ये जानबूझ का उस सरकार की विफलता था जेएमएम का, और हेमंत सोरेन ने अपने इशारों पर अपने गुंडों और आतंकवादियों के द्वारा हमारे माननीय मंत्री जी का जानलेवा हमला करवाया है। इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से और पूरे पार्टी की तरफ से हम लोग इस चीज़ का निंदनीय करते हैं। इस चीज़ के लिए सरकार इसको गहन पूछताछ करे, गंभीरता से ले, ये सुनियोजित ढंग से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपराध है। हमारे बिहार सरकार के मंत्री रांची गए हुए थे किसी कार्यक्रम के दौरान, उन्हें पत्थर बरसाया गया, बाल बाल बचे उसी को लेकर के हम लोग पुतला फूंक रहे हैं। शुक्रवार के लोग ये लोग पत्थर बरसाते हैं, लेकिन हम लोग अब डंडे बरसाने का काम करेंगे, उनकी गर्मियों को शांत करने का काम करेंगे। झारखंड सरकार से कार्रवाई की मांग किए हैं और झारखंड सरकार से आपके न्यूज़ के माध्यम से ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी गलत किए हैं, जो भी लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना हम लोग फिर से एक्शन कड़ा काफी लेने के लिए हम लोग युवा मोर्चा उतरेंगे। आप सुन रहे थे जो भाजपा के युवा नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि सुनियोजित तरीके से रांची में बड़ी घटना का अंजाम दिया गया, मंत्री नितिन नवीन का अपमान हम नहीं सहेंगे। यानी कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन झारखंड गए हुए थे और राजधानी रांची में उनके साथ कल जिस तरीके से घटना घटी, उनके काफिले पर हमला किया गया और किसी भी तरीके से उनके गार्ड्स द्वारा उनकी जान बचाई गई। ऐसे में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ में जिस तरीके से पुतला दहन किया गया, पुतला दहन के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नाराजगी। अभी भी देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पे देखिए अभी साग को बुझा रहे हैं, इनकम टैक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। नाराजगी यहाँ पे थी यहाँ भाजपा के तमाम युवा नेताओं की। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर सामने आई हमने आपको दिखाया, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की पूर्व नेत्री व सह प्रवक्ता नुपुर शर्मा का बयान आया था उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में क्या नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर एक बड़ा मुद्दा क्रिएट कर देना कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जरूर है। ऐसे में जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी होती है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी देखने वाली बात होगी। आप बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।